हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगजून पर। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के 13 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आरआरबी जेई 2019 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल मैगजून को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स और कुलीग्स के साथ भी डिस्कस करिए, ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। बिकॉज यहाँ पर हम जितना भी मटेरियल ला रहे हैं सब बहुत ही क्वालिटी मटेरियल है, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हो गए, जितने भी आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल है। और इसी के साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। उससे जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो उस ग्रुप में हमारा सारा मटेरियल डेली अपडेट हो जाता है, जितने भी स्लाइड्स हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे ग्रुप में हम लोग अपडेट कर देते हैं। और मुझे आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ और मेरे कोर्सेज एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए वहां पर लॉन्च किए जाते हैं। और करेंटली मैंने वहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से शुरुआत करी है, जो कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स एक बार पूरा मैंने हिंदी में पढ़ाया और ये सेम कोर्स अब मैं फिर से इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों प्लेटफॉर्म्स पर मुझे आप लोग साइमल्टेनियसली फॉलो करते रहिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर उसके डिस्कस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि हमारा अपना सीबीटी 2 के लिए मैकेनिकल का जो टेक्निकल सेक्शन है वो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हम कवर करेंगे अपने आर के जैन और आर एस खुरमी दो बुक्स को यहाँ पर हम लोग कंसल्ट करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम में से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम इन दोनों बुक्स में से कवर करते चलें। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर है हमारा सिलिकॉन, दैट इज एस आई, कार्बन है हमारा सी, सोडियम है हमारा Na और क्लोरीन है हमारा Cl। तो क्लोरीन आपको पता है एक हैलोजन है, हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। और क्लोरीन नॉर्मली आपका नॉन मेटल है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सोडियम सॉरी इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये एक इलेक्ट्रॉन आप आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन सोडियम की बात करें तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो आराम से डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट करने के बाद ये एक बॉन्ड बना लेगा। सिलिकन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के बाद हमारा सिलिकन एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकली अगर नाम बताए करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज होती है? हमारा होता है कैल्शियम सल्फेट, तो होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा होगा स्टैचूज बनाने के काम आता है, और ये बहुत हार्ड हो जाता है जब इसमें वाटर मिलाते हैं, तो ये काफी हमारा हार्ड भी हो जाता है। तो यहां से सही ऑप्शन है हमारा कैल्शियम सल्फेट, दैट इज इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, ये किसका होता है? कॉपर एंड टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है, और ये उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। कांस तांबा और किसका? टिन का एक मिश्रित धातु है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर टिन। ये अलॉय होता है, अलॉय का मतलब होता है कि हमारे कॉपर और टिन को यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाएगा और उससे आपका एक अलॉय बना जाएगा जो होता है हमारा ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा टिन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर, इनमें से सबसे निम्नलिखित में से मिश्र धातुओं में से किसमें कॉपर के प्रतिशत अधिकतम होता है? यहां पर ऑप्शन होने वाला है हमारा ब्रॉन्ज। ठीक है, तो दोस्तों कॉपर के लिए ऐसा कहा जाता है, अगर आप कॉपर वेसल में पानी रख के पियेंगे तो उससे आपकी सेहत को बहुत फायदा होगा, उससे खून भी आपका ठीक रहेगा, नॉर्मली कोई बीमारियां भी नहीं लगेंगी। तो आप लोग कोशिश करिए कि कॉपर वेसल कोई भी मंगा लीजिए, कॉपर का जग मंगा लीजिए और उसमें पानी रखकर तब पिया करिए। और नॉर्मली आजकल देखा जा रहा है कि पानी में जो कैल्शियम के डिपॉजिट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसके कारण लोगों को स्टोन्स और ये सब की बीमारियां भी बहुत हो रही है। तो आप लोग इसे बच के रखिए, अपना सेहत का भी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आपको आरआरबी जेई 2019 में एक सीट अपनी पक्की करनी है, और उसके लिए आपको मैक जोन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सारा क्वालिटी मटेरियल हम लोग आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच मेटल एग्जिस्ट एज कॉमन कॉम्पोनेंट्स इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, तो यहाँ होता है हमारा कॉपर। कॉपर जो है वो हमारा ब्रास में भी होता है, ब्रॉन्ज में भी होता है, और जर्मन सिल्वर सब में होता है। तो कॉपर को हिंदी में कहते हैं तांबा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तांबा। जिंक को कहते हैं जस्ता, जिंक होता है हमारा जस्ता।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड इन आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री. तो देखिए कभी भी अगर रस्ट फ्री की बात आती है मतलब यहां पर हम लोग करोजन रेजिस्टेंस की बात करेंगे, करोजन रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो हम लोग हमेशा क्रोमियम का इस्तेमाल करेंगे. क्रोमियम का मेन फंक्शन यही होता है कि किसी भी मेटल को या किसी भी मटेरियल में जिसमें यह ऐड किया जाएगा उसको एक करोजन रेजिस्टेंस बनाता है. तो दोस्तों ये पूरा एक हमारा ब्रांच होती है मटेरियल साइंस में, पूरा एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं अलॉयिंग ऑफ स्टील्स के नाम से. तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग मेटल्स जो कि हम ऐड करेंगे उसका क्या फायदा होता है. ठीक है, तो सिलिकॉन का सबसे बड़ा फायदा होता है ये ग्रेफाइटाइजर होता है. ठीक है, ये ग्रेफाइटाइजर होता है, ग्रेफाइट की प्लेट्स फॉर्म कर देता है और ये हमारा डी ऑक्सीडाइजर भी होता है, स्ट्रॉन्ग डी ऑक्सीडाइजर भी हमारा होता है, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए भी काम आता है. उसी तरीके से क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम हमारा मेनली यूज होता है हमारे आयरन को रस्ट फ्री बनाने के लिए. ठीक है, रस्ट मतलब जंग लग जाती है, तो जंग लगने से आयरन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, लाइक सरफेस पे जो होता है आपको एक रेडिश ब्राउन डिपॉजिट मिल जाएगा, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट यहां पर हमें एक ऑब्टेन हो जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग रस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स. देखिए वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो नॉर्मली आपको अवॉइड करने चाहिए. ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स यही मेन कारण होते हैं आपके कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के, और ये सब जितने भी डालडा हो गए या फिर फॉर्च्यून रिफाइंड हो गए, मतलब जितने भी हो गए मार्केट में जो आते हैं, तो नॉर्मली आपको अवॉइड करना चाहिए. बेस्ट तो वैसे इनमें से कहूँ तो फॉर्च्यून काफी अच्छा रिफाइंड ऑयल है, लेकिन रिफाइंड ऑयल कोई भी हो आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सबसे अच्छा आपका जो ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल. तो मस्टर्ड ऑयल आपको यूज करना चाहिए, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं. हालांकि ऑलिव ऑयल आपकी फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, लेकिन इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से सबसे अच्छा जो ऑयल है दैट इज मस्टर्ड ऑयल. तो कोशिश करिए दोस्तों कि आप लोग ज्यादातर खाने में मस्टर्ड ऑयल यूज करिए. ठीक है, और यहां से कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, आपके हार्ट्स में ब्लॉकेज हो सकता है. हार्ट्स मतलब लॉन्ग रन में हार्ट्स में जो ब्लॉकेज होता है वो इसी वजह से होता है. तो कोशिश करें बहुत ज्यादा मक्खन, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन ना करें, मतलब कभी कदार चल जाता है लेकिन डेली बेसिस पे आप लोग ऐसा ना करें. तो यहां पर जो आपको कैटलिस्ट है वो होता है निकल. तो निकल यूज होता है आपके वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन के लिए. तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है आपका निकल. नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल. तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल, अष्टभुजाकार. ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा अष्टभुजाकार या ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट व्हिच इज नॉट अ लुईस एसिड. इनमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है. तो ये देखिए आपका अमोनिया NH3 जो है वो आपकी लुईस एसिड नहीं है. लुईस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स, ये लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपके अमोनिया में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं होता था. लुईस बेस आर लोन पेयर डोनर्स. तो बेस क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे. नाइट्रोजन इन NH3 हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन विच 3 ऑफ देम आर इन्वॉल्व. देखिए नाइट्रोजन में आपका 1, 2, 3, 4, 5. तो यहां से क्या होता है 1, 2, 3. तो आपने देखा यहां पर एक लोन पेयर आपका बच गया, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपका डोनेट कर देगा. ठीक है, ये डोनर हो गया. तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये है आपका एक लुईस बेस, ठीक है, ना ही कि आपका एक लुईस एसिड. ये लुईस एसिड नहीं है, आपका लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, दैट लीव्स वन पेयर. ठीक है, यहां पर एक पेयर आप देख रहे हैं ये बच गया हमारा. दिस लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, देयरफॉर NH3 इज अ लुईस बेस. तो हमारा NH3 क्या हो गया, लुईस बेस. ये सारी चीजें एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग मतलब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा. देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट. और ये यूज होता है हमारा किसमें, बेकिंग सोडा यूज होता है हमारी केक्स बनाने में. केक्स में हम लोग इसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम इसे मिल्क या फिर कर्ड के साथ मिक्स करते हैं या फिर ऑयल के साथ मिक्स करते हैं, तो
बेक करने के बाद जब हम इसे बेक कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जब प्रोड्यूस होगी तो ये बाहर निकलेगी और केक्स में क्या बन जाएंगे, आपके पोर्स बन जाएंगे, केक्स में आपकी छिद्र बन जाएंगे, तो उसके कारण आपकी केक क्या हो जाएगी, फ्लफी हो जाएगी, काफी सॉफ्ट हो जाएगी। तो मेनली केक्स को सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां से सही ऑप्शन है NaHCO3, दैट इज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ड्राई आइस होती है वो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपका ड्राई आइस होती है। ड्राई को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके सरफेस को वेट नहीं करती और ये आपके रेफ्रिजरेशन में भी काम आती है। मस्टर्ड गैस, पॉइजनस लिक्विड यूज इन केमिकल, ये भी बिल्कुल सही है, ये करेक्टली मैच्ड है। टेफ्लॉन पॉलीमर कंटेनिंग फ्लोरिंग, ये भी बिल्कुल सही है, टेफ्लॉन आपका वो पॉलीमर है जो हमारे नॉनस्टिक कुकिंग पैन्स में यूज होता है, नॉनस्टिक कुकिंग पैन्स, ठीक है, नॉनस्टिक कुकिंग पैन्स में हमारा यूज होता है हमारा टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन इस्तेमाल किया जाता है नॉनस्टिकिंग, तो ये जो इसकी जो कोटिंग करी जाती है बहुत कैसी होती है, स्मूथ कोटिंग होती है, ठीक है। तो नॉनस्टिक पैन्स में नॉर्मली आप लोग स्टील की करछली ये सब यूज ना करें, वुड का हैंडल मतलब वुड का करछली यूज क्या करें, क्योंकि अगर आप स्टील यूज करेंगे तो वहां पर इसकी टेफ्लॉन कोटिंग धीरे धीरे क्या होती है, हटने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फलरीन, फलरीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन, ये आपका गलत है। फलरीन क्या है आपका, बकमिंस्टर फलरीन आपका कार्बन का एक एलोट्रोप है, ये आपका कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, इसमें फ्लोरीन नहीं होता, ये आपका फ्लोरीन जो है वो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। तो यहां से जो रॉन्ग मैच हुआ है वो है हमारा फ्लोरीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन। नेक्स्ट देखते हैं, द पीएच ऑफ लेमन जूस, लेमन जूस की पीएच कितनी होती है, ये होती है आपकी लेस देन 7, क्योंकि लेमन में आपका क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड होती है, तो एसिड जहां भी होगा वहां पर पीएच आपकी 7 से कम हो जाएगी। अगर देखें पीएच स्केल पे तो ये हमारा 7 होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यहां पर 14 हो जाता है, 14 होगा हाईली बेसिक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाईली बेसिक, और 0 हो जाएगा आपका हाईली एसिडिक, ठीक है, 7 हो जाता है हमारा न्यूट्रल, 7 हो जाएगा हमारा न्यूट्रल, और 6, 5, 4 हो जाएंगे आपका वीक एसिड्स, वेर एज 0, 1, 2, 3 आपके हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा लेस देन 7। नेक्स्ट देखते हैं, विनेगर इज केमिकली नोन एज, तो विनेगर का जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड या सिरका भी बोलते हैं इसे, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है, तो ये होती है हमारी एसिटिक एसिड। देखिए OOH जो है हमारा, ये आप COOH हमारा क्या होता है, एसिड ग्रुप होता है, ठीक है, ये हमारा एसिड ग्रुप होता है, और OH अगर सिर्फ लगा होता तो वो हमारा एल्कोहल होता है, ठीक है, एल्कोहल। ऐसे हम लिखें C2H5OH, ये है मेरा क्या है, ये इथेनॉल है, ठीक है, दो कार्बन के करस्पॉन्डिंग इथ हो जाता है, एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग मिथेनॉल, तो CH3OH क्या हो गया मेरा मिथेनॉल, और C2H5OH क्या हो गया मेरा इथेनॉल। तो यहां से सही ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, ये एक आपकी वीक एसिड होती है, ये आपकी क्या होती है, वीक एसिड, और वीक एसिड का मतलब है ये पानी में बहुत फीबली डिसोसिएट होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी लेसन यहीं पर फिनिश होता है, आई होप कि आप लोगों को लेसन अच्छे लग रहे होंगे। तो इसी के साथ यहां पर मैं पूर्ण विराम करता हूं, और अगले ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन आपके लिए हम लोग फ्यूचर में और लाते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच।